नमस्कार, जोहार। न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। कोयला, झारखंड की अगर धड़कन की बात की जाए तो उस धड़कन से आवाज जो निकलती है, धक 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 धक, वो आवाज कोयले से ही निकलती है। यानी झारखंड के अर्थ गणित का बीज है ये कोयला। अगर ये कोयला नहीं होगा तो आप समझ सकते हैं कि हमारा देश जो रोशन होता है, शायद वो रोशनी भी कहीं खो जाएगी, क्योंकि पूरा देश ही रोशन होता है झारखंड के कोयले से। पर जब ये गर्व होता है ये कहते हुए कि झारखंड का कोयला पूरे देश को रोशन करता है, तो थोड़ा दुख भी होता है। दुख इस बात पर होता है कि इसी कोयले को लेकर के इतने खेल हैं और हम लगातार वो खेल दिखा रहे हैं, गोया के हम हो गए दिलीप कुमार और हम कर रहे हैं कि भैया कोई है, कोई सुन रहा है, कोई सुनता ही नहीं है। तो आज डंके की चोट पर कोयले का एक और महाखेल दिखाएंगे। वो क्या है कि हम भी बाज नहीं आएंगे। चलो आज अपना हुनर आजमाते हैं, तुम तीर आजमाओ, हम जिगर आजमाते हैं। और आज बात वही है कि हम देखते हैं कि कब तक आप आवाजें नहीं सुनेंगे। तो सबसे पहले कोयले का खेल हम आपको दिखाएंगे और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे धान चोर को कौन बचा रहा है। ये तमाम बातें होंगी और डंके के चोट पर होंगी। कोयला और कोयले का खनन, यूं तो मामला केंद्र के अधीन है, लेकिन जब जब एक ढेला भी कोयले का चोरी होता है तो लात पड़ती है राज्य के पेट पर। संसाधन लुटता है राज्य का और इसका सीधा असर पड़ता है झारखंड वासियों पर, यानी आप पर, हम पर। जी हां, अब पिछले कुछ दिन से कोयले का खेला तो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आप अगर न्यूज 11 भारत देखते हैं तो आपको पता होगा कि एक एक रैक में कैसे करोड़ों करोड़ का खेल हो जा रहा है। आज फिर दिखाएंगे कोयले का खेला नहीं, महाखेला। महाखेला वो जिसे आप देखेंगे तो आश्चर्य में पड़ेंगे। देखिए रिपोर्ट। कोयले की क्वालिटी में खेला, टेंडर आरओएम ग्रेड के लिए और माल उठाओ स्टीम कोयले का, एक एक रैक में करोड़ों करोड़ का खेल। न्यूज 11 भारत ने प्रमुखता से ये खेला दिखाया था, लेकिन खेला सिर्फ इतना नहीं है, खेला और भी है। अभी आपको हम कुसुंडा साइडिंग की तस्वीर दिखाते हैं, आप ग्राउंड रिपोर्ट से ही खेल समझिए। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। रेक लोडिंग पॉइंट पे घाल मिल किस तरह से होता है, इस तरह का तस्वीरों के साथ हमने पहले भी आपको खबर दिखाई थी। और इस वक्त हम कुसुंडा रैक लोडिंग पॉइंट पे है, इसे कुसुंडा साइडिंग 1 भी कहते हैं। और यहाँ पे तस्वीरों में आप देख सकते हैं मेरे पीछे वो पेलोडर गाड़ी है, और यहाँ पे जो कोयला क्रशिंग मशीन से करनी चाहिए थी उसने खुद पेलोडर से इसको क्रशिंग किया है। तो ये घाल में लगातार चलता है और यहाँ पे जो रैक लगे हुए पावर प्लांट को कोयला जाएंगे। हालांकि लोकल सेल भी जब चालू होगा, रैक लगेंगे तो उसकी भी घाल मिल कैसे होगी ये भी आपको बताएंगे। लेकिन बहुत बड़ा सवाल उठता है जब ये बीसीसीएल ने एक मापदंड अपना रखा है कि बिना कोल क्रशिंग किए हुए, बिना मशीन से कोयला क्रशिंग किए हुए ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, चाहे वो आप रैक लोडिंग करें या फिर पावर प्लांट को सप्लाई दें या लोकल खरीदार को सप्लाई दें। लेकिन यहाँ पे घाल मिल धड़ल्ले से जारी है। बीसीसीएल में 12 एरिया है, 12 एरिया में कुल 12 से ज्यादा लोडिंग पॉइंट है। रेलवे के वैगन से कोयला एक जगह से दूसरी जगह जाता है, लेकिन इस खेल के खिलाड़ी कौन है, सुनिए मजदूर नेता से। माफियाओं का एक सिंडिकेट है जो बीसीसीएल के अधिकारियों और स्थानीय यूनियन के नेताओं और रंगदारों अपराधियों का एक गिरोह है जो पूरा बीसीसीएल को लूटने पर आमादा है। पिछले दिनों मैंने ये तो वर्षों से होते आ रहा, जब से रेक का लोडिंग चालू है इसमें आरओएम के जगह पर स्टीम कोयला उठा रहा लोग। आप लोग देखे होंगे कल वहाँ लोधना गोलकडी में भी जो वीडियो भी सामने आया है उसमें एकदम स्पष्ट है कि देखने से पता चल जाएगा कि पूरा छाई का दाम दे करके हीरा उठा रहा लोग वहाँ से। और निरंतर अभी 39 रेक कुसुंडा एरिया में उठना है,
उसमें पूरा प्लानिंग इन लोगों का हो चुका है, कोयला सिंडिकेट माफियाओं का पूरा सेटिंग हो चुका है, और जितना भी दबंग घराने के लोग हैं उन सबका रेट फिक्स हो चुका है इसमें, और पूरी तरह से बीसीसीएल के भ्रष्ट अधिकारियों और ये नेताओं की का मिलीभगत के कारण केंद्र सरकार का, झारखंड सरकार का करोड़ों रुपया का नुकसान हो रहा है। कोयले के क्रशिंग में भी खेला है, नियम है कि कोयला क्रश करके ही जाएगा, कोयले की डायमेंशन -100 मिलीमीटर होनी चाहिए। अब ये तस्वीर देखिए, रैक का ये कोयला किसी भी एंगल से -100 मिलीमीटर का लग रहा है क्या? इस राजस्व को जो माफिया अपने आप में बंदरबांट कर रहे, ये नहीं होने देंगे। हम कल कई एरिया के जीएम जिससे भी बात किए थे, उन लोग जैसे कुल लोग का कहना है कि अभी मेरे यहाँ नहीं उठा है, हमने कि पहले जैसे कुसुंडा एरिया में माल उठा, कल आप लोगों ने देखा होगा गोलकडी में, आप तो घटनास्थल पर हमने आप लोगों को सूचना दिया था, घटनास्थल पर आपने देखा क्या कैसा मंजर था वहां पर, आप गए होंगे तो कितना गुंडा अपराधी लोग घेर लिया हुआ आपको, वो तो आपका चैनल का मैंने भय है उन माफियाओं में कि कुछ नहीं किया, नहीं तो वो आपका कैमरा उमरा भी छीन लेता। कहाँ है बीसीसीएल सीएमडी साहब, कहाँ है बीसीसीएल जीएम साहब? अरे कोई है? अरे कोई है? अरे कोई है? अरे कोई बचा लो रे? कोई नहीं है, कोई सुन भी नहीं रहा। सुनता तो जानता कि सिजुआ में 39 रैक के लिए फिर से बिडिंग होनी है, इस बिडिंग में भी खेला होना है, पर हम ये खेला होने नहीं देंगे। न्यूज 11 भारत झारखंड को और लूटने नहीं देगा, और खेला झारखंड बर्दाश्त करेगा भी नहीं। धनबाद से न्यूज 11 भारत के लिए दिलीप कुमार की रिपोर्ट। तो भाई देखिए, जो कहता हूं डंके की चोट पर कहता हूं, एकदम साफ सुधरी खरी खोटी बात कहता हूं मैं। संभव है मेरी भाषा कुछ लोगों को लगता है कि भैया असंवैधानिक भाषा का प्रयोग कर रहा है, लेकिन होता क्या है ना कि जब झारखंड पर चोट पहुंचती है तो जुबान काबू में नहीं रहती। अब आप कहेंगे ओसामा लादेन जी, तो हो सकता है कि आपको ये बात पसंद आए, मुझसे नहीं बोला जाएगा, और नहीं बोला जाएगा तो नहीं बोला जाएगा। तो मैं फिर से कह रहा हूं, डंके की चोट पर कह रहा हूं, ये सब कोयला चोर हैं, कोयला चोर हैं, कोयला चोर हैं। बाकायदा मैं तो नाम एड्रेस के साथ कहूंगा कि हाँ कोयला चोर हैं, सिंपल सी बात है। देखिए मेरा पैनल मेरे साथ है, बीजेपी से सरोज जी मेरे साथ हैं, कांग्रेस से विनय सिन्हा दीपू साहब मेरे साथ हैं, दिलीप मेरे साथ हैं, और दिलीप के साथ अमृत सिंह जी भी हैं जिन्होंने सबसे पहले इस मामले को लेकर के सवाल उठाया था, और इंटक के संयुक्त महासचिव मेरे साथ संतोष सिंह जी भी हैं। दिलीप, कल हमने दिखाया था खबर, चलिए ठीक है खबर दिखाना हमारा कर्तव्य, हमने खबर दिखाई। दिलीप आज फिर से तस्वीरें दिखा रहे हैं, मेरे साइड विंडो में जो तस्वीरें आप देख रहे होंगे वो रैक की तस्वीरें हैं। रैक की तस्वीरों में आप कहीं से भी नहीं देखेंगे कि -100 मिलीमीटर का कोयले की डायमेंशन की क्रशिंग होती है। जो खबर है कि क्रशिंग के लिए भी 150 रुपए प्रति टन का पैसा आता है, वो 150 रुपए प्रति टन का पैसा जाता कहां है जब क्रशिंग होती नहीं है, तो पहली चीज। दूसरी चीज, सिजुआ में अब बिडिंग होनी है, सिजुआ में माइनिंग का काम मां अंबे कंपनी के पास है। मां अंबे कंपनी वही है जिसकी शोहरत बहुत दूर दूर तक फैली हुई है। मां अंबे की शोहरत जो है टंडवा में मगध आम्रपाली प्रोजेक्ट तक फैली हुई है। इस खेल के तार सीधे कलकत्ता में बैठे हुए व्यवसायी से लेकर के अभिषेक अग्रवाल, मैं तो नाम लेकर के कह रहा हूं कि इन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। पर सवाल मेरा यह है कि भैया अभिषेक भारती यहां बैठ करके इतना चिल्ला रहा है, सरोज जी सामने बैठ करके इतना चिल्ला रहे हैं, विनय सिन्हा दीपू सामने बैठ करके इतना चिल्ला रहे हैं, और धनबाद में दिलीप इतना चिल्ला रहे हैं, लेकिन सब के सब हम इधर दिलीप कुमार बनकर के कोई है किए हुए हैं, और उधर सब अमरीश पुरी बनकर के कोई कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। दिलीप ऐसा का है? देखिए बिल्कुल ऐसा होगा, क्योंकि पहले से किसी की नजर नहीं जा रही थी, और जो इस खेल को अंजाम दे रहे थे बड़ी सुनियोजित तरीके से खेल को अंजाम दे रहे थे, जो बीसीसीआई के अफसर है उनको गुड केयर में रखे हुए थे,
एरिया मैनेजर को कोर्ट पे रखे थे, साइट इंचार्ज को कोर्ट पे रखे हुए थे, और सबसे बड़ी बात जो आउटसोर्सिंग कंपनियों को हायर किया गया, चाहे कोल क्रशिंग करे आप, कोयले का उत्पादक करे आप, उनको कोर्ट पे रखे हुए थे। लेकिन अब जो है बेचैनी बढ़ गई। अब सीधे पहले संतोष जी हमारे साथ जुड़े हुए, जो इंटेक के संयुक्त महासचिव है, उन्होंने भी कई बार बढ़ चढ़ कर इस मामले को आगे ले जाने की कोशिश की, और जब एक न्यूज 11 का प्लेटफॉर्म मिला है तो अब वो आगे क्या करने वाले हैं, अब इस मामले को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये तो जो महाघोटाला है बीसीसीएल के अधिकारियों और जो ये कोयला सिंडिकेट के माफियाओं का मिली भगत का परिणाम, वर्षों से इस कोयला घोटाले में इस सारे सिंडिकेट संलिप्त है। इसमें कुछ स्थानीय कोयला माफिया जो यूनियन ट्रेड यूनियन के नाम पर भी उन लोगों के साथ साठगांठ बनाए हुए हैं, और ये अरबों खरबों का घोटाला है। जब हम लोग संज्ञान में आया है तो किसी कीमत पर इनको इन घोटालाबाजों का पर्दाफाश करते रहेंगे, और आप लोगों का सहयोग रहा, और आपने देखा है कल ही जिस ढंग से गोला डी में जो रेक लोडिंग हो रही थी और जो उसमें जो आपने कोयला का स्थिति देखा, वो खुलेआम दर्शाता है कि बीसीसीएल को लूटने की पूरी तरह तैयारी हो चुकी है, और अभी 40 रेक करीब उधर है, और कुसुंडा एरिया में भी पिछले दिनों रेक उठ चुका है, और सिजुआ में 39 रेक कोयला उठना बाकी है। ये पूरा बीसीसीएल और माफिया कोयला माफियाओं का मिली भगत से पूरा बीसीसीएल को लूटने के साजिश है, और हम इंटक के लोग, कांग्रेस के लोग किसी कीमत पे ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए सड़क उतरना हो, दिल्ली में जाकर के धरना प्रदर्शन करना हो, चाहे पूर्व मिनिस्टर हो प्रधानमंत्री से मिलने की बात और उनको ज्ञापन सौंपने की बात होगा, हम लोग करेंगे, और इस मामले को मैंने ये लूट को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। देखिए, अब हर संभव लूट को रोकने के लिए प्रयास करेंगे, और जाहिर सी बात है क्योंकि लूट पे जो मामले सामने आए हैं, न्यूज 11 हर एंगल की हर पहलू की जानकारी अपने दर्शकों के साथ साझा भी कर रही है, और ये विश्वास है लोगों का कि जिस तरह से खबर को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और जाहिर सी बात है जल्द से जल्द इस पूरे मामले पे कार्रवाई होनी की संभावना दिख रही है। जी बिल्कुल सही बात है सरोज जी, सारी बातों को आप देख रहे हैं। देखिए खेल, चूंकि उन्होंने तो नाम नहीं लिया, मेरे पास तो नाम भी है, संतोष सिंह जी ने नाम नहीं लिया, मेरे पास नाम है कि भैया कोई स्थानीय नेता है, पिंटू जी कोई स्थानीय वहां के हैं, ठीक है, पिंटू जी जो है उन्हीं की देख रेख में ये काम चलता है 250 रुपये प्रति टन का। मुझे थोड़ी डर है किसी का, मैं तो नाम लेकर के बोलता हूँ, मुझे डर किसी का नहीं है भैया, झारखंड का बच्चा हूं, झारखंड की बात करता हूं, और डंके की चोट पर करता हूं, जो बिगाड़ना बिगाड़ लो। सरोज जी, 250 रुपये प्रति टन के हिसाब से वहां पर खेला चलता है, मैं बताता हूं, 150 रुपये क्रशिंग का भी रेट है प्रति टन का, पर क्रशिंग होती नहीं है, वो पैसा पता नहीं कहां चला जाता है, आसमान खा जाती है, जमीन निकल जाती है, भगवान जाने, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज है कि पीएमओ तक चिट्ठी लिखी जा चुकी है, वो शख्स जो पीएमओ को चिट्ठी लिख चुके हैं वो भी हमारे साथ हैं, दिलीप के साथ हैं। सरोज जी, सवाल यह है कि ये रुकना चाहिए, मतलब ये बीजेपी कांग्रेस जेएमएम आरजेडी इसकी बात नहीं है, बात तो झारखंड की है, बात देश की है, सिंपल सी बात है। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं कि सरकारें आती हैं सरकारें जाती हैं, ये देश रहना चाहिए, तो भैया ये देश तो तभी रहेगा जब ये हमारा जो हमारे राजस्व वाला ये जो चीजें हैं ये चीजें रहेंगी। देखिए, मैं कल इस विषय पे आप दिखा रहे थे, और कल भी मैं इसमें डिबेट में आया था, जब मैं आपको कल आया था तो मैं कहा कि मैं पहली बार देख रहा हूं और इसको मैं समझूंगा, और समझने के बाद आगे कैसे इसको रुके, और हमसे जो हो सकेगा, पार्टी से जो हो सकेगा, हम लोग इसके लिए करेंगे। हमारे जो नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे विधायक दल के नेता हैं बाबूलाल जी, तो अगर ये गड़बड़ी हो रही है तो हम लोग से जितना हो पाएगा रोकने का, और उसका प्रयास करेंगे, और जो जिस तरह के आप बता रहे हैं चिट्ठी भी भेजे हैं तो बैठे हुए हैं तो उनका भी सुनेंगे हम, तो हम जो पता किए, क्योंकि आज फिर आप बुलाए तो मुझे मालूम था, तो इसलिए जो मुझे जो जानकारी हम कल करके गए थे तो मुझे जो जानकारी है मैं आपको बता दूं, ये ठीक है, ये रैक गया है, उसमें गड़बड़ियां हुई है, स्टील कोयला गया है जो आप पहला बार दिखाए हैं, अब और बता रहे हैं संतोष भाई वहां बैठे हुए हैं कि और क्या 39 रैक और 40 रैक अभी फिर से जाना और भी जाना है, लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि अब इतना जल्दी जाने वाला नहीं है, आप जब दिखा दिए लोगों के संज्ञान में आ गया है और सारे लोग समझ रहे हैं, तो अब जाने वाला नहीं है,
और जो क्रशिंग की बात करें, मुझे तो यहाँ तक पता है कि जो चैन वाला डोजर होता है तो उससे क्रश कर देता है लोग। मशीन खराब है कि क्या है अब समझ में नहीं आ रहा, जो मेरे पास जानकारी है कि चैन वाला डोजर से लगा के क्रशिंग करते हैं, स्टीम उसमें जो जाता है तो स्टीम, तो जैसे स्टीम क्या है कि स्टीम बड़ा जो कोयला है वो एक साइड रहता है, छटने के बाद जो छोटे छोटे कोयला होता है वो एक साइड, तो स्टीम का रेट उससे कोई 2-3-4 हजार रुपए ज्यादा है, इनके रेट से उनका रेट ज्यादा होता है। तो स्टीम उसमें जो आरे में जिसको बोलते हैं आप, उसमें स्टीम रहता है थोड़ा बहुत 10-20% रहता है, लेकिन इस बार वो ज्यादा चला गया है, और ज्यादा गया है तो गड़बड़िया तो किए हैं लोग। इस गड़बड़ियों को कैसे, अब तो आगे जाने वाला नहीं है हमको लगता है, लेकिन एक बात मैं बता दूं संजय भाई कि अभिषेक जी कि एक बात मैं बता दूं आपको कि ये छोटा सिंडिकेट नहीं है, ये छोटा सिंडिकेट नहीं है, ये बहुत बड़ा सिंडिकेट है, और इसमें नेता, जो मेरे पास जो जानकारी है, नेताओं का सिंडिकेट है, और इसके तार जो है नेताओं तक जाते हैं। बीसीसीएल के अधिकारी ही कुछ नहीं है, और ये अफसर, बीसीसीएल के अधिकारी, पदाधिकारी, राज्य के पुलिस प्रशासन, और इसके तार सत्ता के गलियारों तक जाते हैं। इसके तार छोटे नहीं है, मुझे तो यहाँ, मैं तो पता करने वाला, मुझे तो पता है, आप 250 बता रहे हैं जिनके बारे में, मुझे पता है किसके किसके यहाँ पैसे जा रहे हैं, कितना कितना, और सत्ता के गलियारों तक पैसे जा रहे हैं। तो बड़ा सिंडिकेट है, कोई छोटा सिंडिकेट नहीं है, इसको तोड़ना, इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और तब जाकर के होगा। और न्यूज 11 आगे आया है, हम लोग भी इसको देखेंगे तो प्रयास करेंगे कि इस लड़ाई को लड़े, लेकिन छोटा सिंडिकेट नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन उन सिंडिकेट को यह भी याद रखना चाहिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। झारखंड की मट्टी का चैनल है, मट्टी में मिला के छोड़ेंगे इस सिंडिकेट को। हमारे साथ दिलीप, दिलीप दिलीप हमारे साथ हैं, अमृत जी भी हमारे साथ हैं। अमृत जी, पहली बार चिट्ठी पीएमओ को आप ही की तरफ से गई थी, अब चूंकि सरोज जी ये सारी बातें बोल रहे, विनय जी मैं आपके पास आऊंगा, एक बार अमृत जी को सुन लेते हैं। अमृत जी देखिए, सिंडिकेट बहुत बड़ा है, जंग छेड़ी तो है आपने, क्या लग रहा है, कदम डगमगाएंगे? न्यूज 11 भारत आपके साथ है। देखिए सीधे अमृत जी है, उनसे सवाल करते हैं कि पहली बार चिट्ठी आपने लिखी, उसके बाद संतोष जी ने चिट्ठी लिखी है, तो क्या लग रहा है? पीएमओ साहब के तरफ से तो अभी तक कोई जवाब वैसा आया नहीं है, और हम तो पहले भी बताएंगे अपने स्तर से तो हम लोग रोकने का काम करेंगे, गलत तरीके से ले जाने का अगर कोई सोच कोशिश भी करेगा तो संभव नहीं है, हम लोग जब तक हैं तब तक तो संभव नहीं है, और इससे बीसीसीएल को भी नुकसान हो रहा है, बीसीसीएल अधिकारी को भी इस चीज को समझना होगा, वो लोग भी अपने स्तर से समझे कि हाँ नुकसान है, कंपनी को नुकसान पहुंचाने से कोई फायदा तो है नहीं उन लोगों को। देखिए संतोष जी ने भी कई, इनके पास जो पत्र है मैं दिखाना चाहूंगा, इन्होंने कई लोगों को चिट्ठी लिखी है, जिसमें बीसीसीएल की अपनी जो विजिलेंस, उसको सीवीसी को, फिर सीबीआई को, कोर मिनिस्टर को लिखे हैं, कोर इंडिया के चेयरमैन को लिखे और पीएमओ को लिखे हैं, चिट्ठी आपको भी लिखनी पड़ गई है। देखिए हमने तो स्पष्ट सारे जो सिंडिकेट में शामिल लोग हैं, चाहे वो ये कानपुर के पप्पू अग्रवाल हो, जीवानी सेठ हो, राजू चंदुटिया हो, तमाम कोयला सिंडिकेट के माफियाओं जिनका रेट लगा हुआ, सारे लोगों के बारे में डिटेल हमने दिया, सारी कंपनियों का नाम भी हमने अपने पत्र में दिया है, और कोई भी उसमें अछूता नहीं है, चाहे बड़ा से बड़ा माफिया हो चाहे छोटा छोटा हो। हमने स्पष्ट शब्दों में कहा कि फलाना फलान कंपनी के लोग लगातार वर्षों से बीसीसीएल को अपने लूट का आटा बना चुके हैं, और इस मामले को लेकर के हम चुप नहीं बैठे। हमने पीएमओ से लेकर के, कुल मिनिस्टर से लेकर के, विजिलेंस और सारे धर्मा डीसी सहित जीएम तमाम लोगों को हमने दिया, जीएम से, स्थानीय जीएमओ से हमारी बात भी हुई है दूरभाष पर और लिखित रूप से भी, और उन लोगों को हमने कहा दिया कि आगे से इस भ्रष्टाचार पे रोक नहीं लगी तो सड़क उतरने की जरूरत पड़ेगी, तो कांग्रेस और इंटर सड़क उतरेगी, इस मामले को लेकर हम अब चुप नहीं बैठने वाले। देखिए इसमें सबसे बड़ा घोटाला है कि 3000 के रुपए के रेट पर ये लोग बिडिंग में लिया है, और अलग अलग जगह पर स्टील लोड करा, जो आपने देखा था कल वीडियो में, स्टील लोड करा बिना क्रशिंग का, बिना क्रशिंग का उसका भी फायदा उन लोगों को मिल रहा है अपना, और डिसीजन का अधिकारी और इन तमाम नेताओं का बीच में पर्दाफाश कर करके एक रेट पर कम से कम मतलब 7 करोड़ रुपया, मतलब कुल मिलाकर नुकसान पहुंचा रहे हैं, मेरे पास 7 करोड़ रुपया
कमाई होती है और डिसीजन को रोकने का पूरा बंदोबस्त इन लोगों ने कर दिया और महसूस कर दिया है आज उसी ने दिया है डिसीजन का पूरा खस्ता है और डिसीजन का अधिकारी और माफिया पूरा माफिया बराबर है। देखिए इतिहास रहा बीसीसीएल का धनबाद से ताल्लुक मेरा बुलाना रहा है कभी बीसीसीएल की एक खबर आती है उनके पास जो उनके कर्मचारी के देने के लिए तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है इस साल बोनस उन्हें नहीं मिलेगा बीसीसीएल को आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा है। सवाल ये उठता है प्रोडक्शन भी काफी अच्छे तरीके से कर ले रहे हैं आप प्राइम कोकिंग कोल आपके पास है लेकिन इन कारणों से बीसीसीएल को नुकसान हो रहा है पिछले कई वर्षों से नुकसान हो रहा है जाहिर सी बात है मतलब ये बात हंसी वाली है। बीसीसीएल जब कहता है कि हमको नुकसान हो रहा है हम तनख्वाह नहीं दे सकते हैं या फिर जब कोई कहता है सरकार कहती है या फिर कहीं से खबर आती है कि तीन दिन का कोयला बाकी है उसके बाद कोयला नहीं है उसके बाद फिर ये कहता है मतलब तमाम तरह की चीजें जो होती हैं कि भैया ये पैसा नहीं आ पा रहा वो पैसा नहीं आ पा रहा फलाना नहीं हो पा रहा है ठिकाना नहीं हो पा रहा है कि देश में पैसे की कमी हो गई है ये हो गई है वो हो गया। अच्छा ये सब होगा नहीं एक बात बताइए तो जहां देखना चाहिए वहां पर तो आंख बंद करके बैठे हुए हैं। मैं तो कहता हूं कि अभी तो संसद का सत्र चल रहा है दिल्ली में झारखंड के जो सांसद है खास करके वो सब सांसद जो लोग ताल्लुक रखते हैं उन क्षेत्रों से मैं तो कहता हूं कि लोकसभा के पटल पर ये मामला उठना चाहिए छोटा मोटा मामला नहीं है। विनय जी मेरी बात से सहमत है क्या? जो आपने बोला बीसीसीएल के जो कर्मचारियों को वेतन देने का बात नहीं मिलता पैसा नहीं है बहुत मेरे जो संज्ञान में है जो मैं जानता हूँ कि बहुत से ऐसे छोटे व्यापारियों को बोला जाता था कि आप ट्रांसपोर्टेशन कीजिए कोल का ट्रांसपोर्टेशन किए उनको बोला जाता था कि मेरे पास पैसा नहीं है खेल देखिए इसको थोड़ा खेल में और आप खेल अपना जोड़ लिए उनको ये बोला जाता था कि आप पैसे के जगह उतना कोयला और ले लीजिए और आप अपना बेच करके आप अपना ट्रांसपोर्टेशन कर लीजिए। ये बकायदा विधिवत जो है रिटेन में बीसीसीएल के धनबाद के जीएम के ऑफिस से निकला हुआ है। आप समझ लीजिए कि खेल क्या हो सकता है कि अगर वो ट्रांसपोर्टेशन का पैसा अगर नहीं दे रहा है और उस पैसा को बोल रहा है कोयला उठा लिए तो निश्चित रूप से जो आप खेल बता रहे हो वो भी उसमें एडिशन होगा। तो आप कितनी बड़ी गैंग है ये गैंग मैं वो वर्ड यूज कर रहा हूं आप समझ नहीं सकते। और संतोष ने जो बोला गलत नहीं बोला कि इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक के लोग जुड़े हुए तार कौन किस जगह का है नहीं मालूम लेकिन इसमें सबके तार जुड़े हुए ये भी सही है। और इसको भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है हम बोलते हैं कि बिजली का उत्पादन जो है पावर प्लांट में कोयला नहीं है हम बोलते हैं कि झारखंड में हमारा जो है जमीन जो पैसा नहीं दे रहा हम काट देते हैं लाइट को बिजली का कनेक्शन आखिर हमारी रॉयलिटी भी जा रही है सरकार की हमारी झारखंड की बदनामी किसकी हो रही है कि झारखंड में ही सारा घोटालों का अड्डा बन चुका है। तो इस बात को मैं आदरणीय अब मेरे छोटे भाई सरोज जी से आग्रह करूं कि आपके 12-12 सांसद हैं आप आग्रह कीजिए अपने सांसद को पार्टी हित से अलग हट करके इस मामले को जो आपने बोला पार्लियामेंट चलने वाला है 16 तारीख से आप अभी चल रहा है अभी संज्ञान में लाए और संज्ञान में ला करके इस बात की आवाज उठाना चाहिए कि कैसे ये सब रुके रुकने का चीज नहीं है क्योंकि एकदम ये शुरू से किसकी सरकार है नहीं है कोई मतलब नहीं है वो एक गैंग है इतना बड़ा इसका है कि सब लोग इसमें मिले हुए हैं और इसमें जो मर्डरें होती है वहां पे मौतें होती है जो हत्याएं होती है उसमें बहुत बड़ा कारण कोयला का भी होता है। और आप देखिए कि जो ज्यादा आवाज उठाया उसका पता ही नहीं चलता कि कोयला के क्रशर से निकल गया कि राख से निकल गया ये स्थिति है धनबाद की। और ये इतनी बड़ा घोटाले इतना बड़ा है इसमें जो आप अम्बे माइनिंग का नाम लेते हैं आप गोदावरी का नाम लेते हैं आप बड़े बड़े कंपनियों का नाम लेते हैं वो सब तो ढाल है उनके नाम पे काम होता है उनके पीछे एक सिंडिकेट है जो उनकी कंपनियों के नाम पे काम कर करके अपना पैसा उनसे लेता है ये एक सिंडिकेट। अच्छा एक एक कड़वा सवाल है सरोज जी से भी है विनय दीपू साहब से भी है दिलीप आपके साथ संतोष जी भी बैठे हूँ उनसे भी तीनों से है। सबसे पहले दिलीप आपसे ही आपके पास आ रहा हूँ चूंकि आपका ताल्लुक तो झारखंड से है धनबाद से है भैया ये सारी चीजें होती है कोयला निकलता है खेला होता है सब कुछ होता है। चलिए मैं कंपनी की लिस्ट देख रहा था जो जो बिडिंग करती हैं आंध्रा से लेकर के यूपी से लेकर के कलकत्ता तक की बंगाल तक की हर जगह की कंपनी है बमुश्किल एक आध कंपनी है जिसका ताल्लुक झारखंड से। मैं एक झारखंड वासी हूं मैं पूछता हूं कि ये जो कोयला निकलता है हम झारखंडियों को क्या मिलता है दिलीप? देखिए बिल्कुल इसको लेकर के कई बार राज्य सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को पत्र भी लिखे गए जो जो शेष होता है जो रॉयल्टी उनको मिलता है उसमें बढ़ोतरी की
मांग हमेशा से की गई और इसके तकनीकी पहलुओं को समझने के लिए और दर्शकों को समझाने के लिए संतोष जी से सवाल करेंगे। जो कोयले का उत्पादन होता है संतोष जी, उसमें कितना रॉयल्टी और कितनी प्रॉफिट झारखंड सरकार को होता है, जैसे नुकसान भी चला जाता है? देखिए, निश्चित रूप से जो स्थिति है बीसीसीएल की, जहाँ बीसीसीएल के बड़े बड़े अधिकारी झारखंड सरकार को चुना लगा रहे हैं, चाहे कोयला रॉयल्टी के नाम पर हो, चाहे जिसे आउटसोर्सिंग कंपनियों में डीजल का जो के मामले में झगड़ा पूरी हो रहा, वो सारा झारखंड सरकार को चुना लगाया जा रहा है। कुल मिलाकर के झारखंड सरकार को नुकसान है और हम चाहेंगे अपने झारखंड सरकार, झारखंड में हमारे कांग्रेस और जेएनयू की सरकार है, अपने मुख्यमंत्री से भी हम कहना चाहेंगे कि झारखंड में हो रही लूट को रोकने के लिए मुख्यमंत्री जी को हस्तक्षेप करना चाहिए, जिससे झारखंड सरकार का जो रॉयल्टी है, जो कोयला माफिया लोग लूटे काम कर रहे हैं, केंद्र सरकार को तो चुना जाए विशेषज्ञ बड़े बड़े अधिकारियों को मिली तरह से, और झारखंड के भी अधिकार झारखंड के विशेषज्ञ के अधिकारियों पर अंकुश लगा है झारखंड सरकार, तो जिससे कि उनका रॉयल्टी जो मिलती है वो झारखंड सरकार को प्राप्त हो। और हम ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस की तरफ से, अरिंटा की तरफ से इस मामले को लेकर के हम कल या परसों तक में हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। अभी दिल्ली में सारे नेता हैं हमारे, और हम लोग प्रयास करेंगे कि चैरिटी और मिनिस्टर से मिलकर के ज्ञापन सौंपे और इस भ्रष्टाचार को उजागर करें। हम लोग देखिए रॉयल्टी किस तरह से नुकसान होता है, आपने कई पहलुओं को समझाया। अगर हम 3700 रुपए का कोयला खरीदते हैं और उसके बाद 10,000 का कोयला उठाव करते हैं, जो बीच में 7,000 रुपए का जो गैप आता है, इससे रॉयल्टी और सेस झारखंड सरकार का बनता है, जिससे खुलेआम पे चोरी की जा रही झारखंड सरकार के साथ साथ पूरे तरीके से केंद्र सरकार को नुकसान है, बीसीसीएल को तो लूटा ही जा रहा है। जी सरोज जी, वही सवाल है कि देखिए ये तो सरकार की बात थी, चलिए सरकार को एक मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि जीएसटी मिलता है, ये मिलता है, वे मिलता है। हम कहते हैं, चूंकि आपका ताल्लुक भी धनबाद से है, मैं कहता हूं कि धनबाद के एक निवासी को, झारखंड के एक निवासी को क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। सच तो यही है। देखिए ये बात सही है, मैं फिर दोबारा दोहराना चाहूंगा कि कोयला का एक रैक में गड़बड़ी हुआ है और उसके बाद इसके बाद मामले संज्ञान में आए और आप दिखा रहे हैं, आगे ये नहीं हो। पहला काम तो वो है, यही है एकदम कि आगे नहीं हो। और मैं समझता हूँ कि जितना दिखा रहा है और जितना बातें आ गई हैं सामने, और मैं तो वहाँ बैठे हुए हैं, उनसे भी कहूंगा कि जो कॉपी है आप अपने ले लेते, हमको भी उपलब्ध करा दे, तो हम लोग भी अपने स्तर से इसको मंत्री जी को और कहेंगे। लेकिन जो 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 पीएमओ को भेजा गया लेटर है वो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं सरोज जी को दे दूंगा। जी सरोज जी, दूसरा क्या है कि एक बार अभी मैं जरा सुन, इसमें कोई कोयला बीसीसीएल के अधिकारी को अभी कोई प्रतिक्रिया दिए हैं क्या? आप लोग लेना चाहे पीएम प्रसाद जी से मैंने बात की थी जी, पीएम प्रसाद जी ने अपनी बाइट में ये कहा कि भाई आपने बोला है मेरे संज्ञान में आया, कार्रवाई होगी, वही रटा रटा जाओ जवाब है मतलब। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मैं आपको बताता हूँ, दिलीप गए थे जीएम के पास। अच्छा, तो जीएम के पास इतना वक्त ही नहीं है कि वो बाइट दे सके, वो बोल सके इस बारे में कुछ भी, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब वहां के आउटसोर्सिंग जो अधिकारी हैं उनके पास जाते हैं दिलीप, तो वो भी कुछ भी बयान देने से भाग जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, कहा जाता है कि आप जाकर के बीसीसीएल के पीआरओ को ढूंढिए, आप पीआरओ से जवाब लीजिए, ये तो कहा जा रहा है। मतलब कोई जवाब वाब देने के लिए किसी का कोई मतलब वो तो वही नहीं। इसमें तो हम आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूंगा कि इसमें ये जो इतना आ रहा है तो बीसीसीएल के अधिकारी को सामने आकर के ये पूरा पक्ष रखना चाहिए कि क्या है मामला, और नहीं तो अगर इस तरह नहीं आ रहा है इसका मतलब कि मामले में तो सच्चाई है, इसमें दो मत नहीं है, तो क्या सच है क्या नहीं, अगर है तो कैसे हुआ है, फिर आगे इसको कैसे रोक सकते हैं, अगर इसको रोकना है तो उस दिशा में। तो मैं समझता हूँ कि दिलीप जी हैं और अधिकारियों से भी प्रयास करें, उनके पीआरओ हैं तो उनसे भी प्रयास करें भाई, इस पर उनका पक्ष आए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, या वो मान लिया, अगर बीसीसीएल के लोग अगर ये इस पे कुछ नहीं बोलेंगे तो मान लिया जाएगा कि ये गड़बड़ हो रही है। कल जो मैंने जिक्र किया था वही बात मैं कह रहा हूँ कि धनबाद के एक मित्र को मैंने बोला कि यार बताइए, ये तो आरओएम कोयला है, इसकी जगह ये स्टीम कोयला उठा ले रहा है, ठीक है। जब मैंने इतनी सी बात कही तो कह बोका हो तुम लोग, ये सब कोई नया बात है, रोज तो चलता, ये एक्सप्रेशन था उसका,
कि क्या तुम लोग भी सब मुद्दा उठाते हो, ये कोई मुद्दा है? ये सब तो रोज होता है वहां पर, कॉमन चीज है। ये रिएक्शन था, उल्टा हम ही को बोका बोल रहा था। तो आप सोच लीजिए कि ये यूज टू हो गए हैं लोग इसके लिए। नहीं देखिए, वहां पर कोयला चोरी, उसके अलावा फिर ये रंगदारी, वहां से आउटसोर्स, ये जो डीओ के गाड़ियां निकलती हैं उससे रंगदारों का रंगदारी लेना हर कोयलरियों में, ये सब तो सुनते रहे। लेकिन इस तरह के बड़े बड़े घोटाले, ये तो सीधा नुकसान होगा। और ये आप दिखाए हैं तो मैं समझता हूँ कि आगे तो नहीं जाना चाहिए और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग भी, हम तो कल ही आपके चैनल में आए थे, कल गोलकडी का दिखा दिए, आज देख लिया। मेरी जानकारी में इसलिए बताया कि मशीन क्रशर मशीन खराब है तो उसको चैन वाला रोलर से उस पे चला के पीसते हैं। क्या है जरा बीसीसीएल के अधिकारी को भी इस पे बोलना चाहिए। हम तो आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि उनको भी प्रतिक्रिया देना चाहिए। दिलीप भाई एक बार फिर से कोशिश कीजिएगा, बीसीसीएल को कोई अधिकारी अगर मिले तो ठीक है, अगर बाइट देते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देते हैं बाइट तो प्रणाम करके वापस आ जाइएगा। बीसीसीएल वालों को प्रणाम कुछ ज्यादा पसंद है मैंने सुना है। विनय भाई एक छोटी सी प्रतिक्रिया, चूंकि एक मिनट है हमारे पास, एक मिनट में झारखंड के हिस्से क्या आता है? देखिए झारखंड की जो रॉयलिटी की चीज है उसमें तो एक पैसा आने नहीं, जो आप नुकसान कर रहे हैं 3024 रुपया का आपने देखा कोयले का दाम है प्रति टन, तो आप समझ लीजिए कि उसमें जो हमारा रॉयलिटी है वही है, वो भी पैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो मैं खुद कोई राजनीतिक भाषा नहीं बोल रहा, वो हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। तो जब आप रॉयलिटी मेरी मेरा खदान, मेरा माइंस, मेरी सारी कुछ और झारखंड के हिस्से में 0/0 आए और जो है उस पर भी एक गैंग बना करके पूरी लूट कर करके झारखंड को लूटने का काम करे, जो मैंने कल भी दोहराया था कि यहाँ हम लोग जमीन अमीर है और लोग गरीब है, सही बात, तो क्या होगा? तो मैं आपके आपके माध्यम से एक चीज बोलना चाहता हूँ, अपने संतोष ने भी बोला, मैं भी बोल रहा हूँ सरकार से, आदरणीय अपने नेता हेमंत सोरेन जी से, इसको संज्ञान में ले। ये कॉकस जो है, ये गैंग, ये खोखला फील्ड है, इसको कहीं ना कहीं आप इस पे अंकुश लगाने का भी काम करें, और निश्चित रूप से अंकुश लगेगा तो सरकार को भी फायदा है, देश को भी फायदा है, और आपके माध्यम से जो भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेतागण सुन रहे होंगे तो हमको लगता है उनको भी, उनका भी अपना एक है पार्टी विद द डिफरेंस। तो ये पार्टी विद द डिफरेंस की केंद्र की सरकार की नीत और नियत का जो है पे क्वेश्चन मार्क लग रहा है, जिस क्वेश्चन मार्क को बचाइए। चलिए तो भैया इस क्वेश्चन मार्क का जवाब ढूंढना पड़ेगा। बात बीजेपी की नहीं है, बात कांग्रेस की नहीं है, बात जेएमएम की नहीं है, बात आजसू की भी नहीं है, बात आरजेडी की भी नहीं है, बात है झारखंड की। और झारखंड को इस क्वेश्चन मार्क का जवाब ढूंढना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात कही तमाम लोगों ने, अपने पार्टी लाइन से उठ करके बातचीत की, ये बहुत अच्छी बात थी, ये बहुत पॉजिटिव बात थी। यहां हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, यहां हम बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, डंके की चोट पर जारी रहेगा, चूंकि अभी आपको धान चोर से भी तो मिलवाना है, तो धान चोर से मिलवाएंगे, अभी कहीं जाइएगा मत। दिलीप बहुत शुक्रिया, दिलीप के साथ अमृत जी थे, दिलीप के साथ संतोष जी थे, आपका बहुत शुक्रिया। सरोज जी, विनय जी, आप लोग हमारे साथ बने रहे, डंके की चोट पर जारी रहेगा, कहीं जाइएगा मत, धान चोर से अभी मिलाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।